की करते हैं क्योंकि आर्मी का बयान इस वक्त इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कल आपको जब खबर बताई थी कि चाइना और भारत यानी इंडिया और चाइना की फौजें जो है वो आमने सामने हैं लद्दाख के अंदर और किस तरीके से ड्रोन के जरिए से चीन जो है वो लगातार अपनी नकल हमल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वहीं पर आर्मी का बड़ा बयान सामने आया है और आर्टिलरी के हवाले से यानी जो तोपखाना है उसके हवाले से एक बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि अब इन माउंटेन इन पहाड़ियों के अंदर जो हमारा असला है वो इजीली पहुंचे, आसानी से पहुंचे और उसे मोबिलाइज किया जाए आसानी के साथ। इस हवाले से बड़ी हिकमत अमली को तय कर दिया गया है और वो हिकमत अमली बहुत जल्द रंग लाएगी क्योंकि डीजी की तरफ से जो डायरेक्टर जनरल है आर्टिलरी डिवीजन के उनका मानना है कि लद्दाख के अंदर जो पिछले 17 माह के दौरान चीन के साथ हमारी तनातनी चल रही है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, उसको देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन पहाड़ियों के अंदर आर्टिलरी सिस्टम जो है वो और ज्यादा मजबूत हो और जो बड़ी पहाड़ियां हैं जहां पर स्ट्रेटेजिकली लोकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां पर तोपखाना रहे वहां तक वो पहुंचाना और वहां पर काम करना। उस हवाले से अब 145 अल्ट्रा लाइट M777 हाउइजर टॉवर गन वो लगाई जा रही है और पहले ही साल 2016 में तकरीबन 750 मिलियन का एक सौदा जो है वो तय हो गया था जिसके तहत कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं और कुछ मुस्तकबिल में आएंगी और इन सब को लद्दाख के उन बुलंदतरीन पहाड़ियों पर लगाया जाएगा जहां से मुसलसल चीन पर उसके बाद नज़र रखी जाएगी। माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो टीके चावला है उन्होंने कल जब ये पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दी है तो उनका मानना है कि लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर गहरी नज़र फौज की है और फौज माकूल निज़ाम अपना बेहतर बना रही है, यानी जिस तरीके से हथियार होने चाहिए, जिस तरीके से मैन पावर होना चाहिए, टेक्निकल एंड पर जो सपोर्ट होना चाहिए, एयरफोर्स का जो सपोर्ट होना चाहिए वो ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत बनाया जा रहा है और आला अफसर जो है वो लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इस वक्त फौज 100% तैयार है। यानी अब जदीद आलात और जदीद टैंकें जो हैं वो लद्दाख की बुलंदतरीन पहाड़ियों पर पहुंचने जा रही है और इस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने पहले ही आपको कह दिया, क्योंकि लद्दाख के मामले पर जो कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रोन से मुसलसल नजर रखी जा रही है और जिस तरीके से चीन ने अपने इलाके के अंदर जो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है, जिस तरीके से बैरक्स बनाई जा रही हैं, कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं, तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अपना कदम जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया है।